चलिए दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। इट्स डे टू फॉर AWS क्लाउड सेशन। आज का हमारा जो एम होगा वो क्या रहेगा, मैं आपको मेंशन कर दिखाता हूँ, लिखकर बताऊंगा कि आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा लॉग इन करके देखेंगे इन AWS कंसोल के अंदर, ठीक है ना। इसको हम AWS वेब कंसोल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, घबराना मत आप लोग। भाई आपको नेट पे अगर मिले ऐसा नाम तो आप कहें सर हमें पता नहीं है ना, बट आपको मालूम होना चाहिए वेब कंसोल है। वेब कंसोल कौन सा होता है दोस्तों, ये जो URL है, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, लॉग इन बैक यहाँ पर क्लिक करते हैं या साइन इन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ दोस्तों इस प्रकार से एक यहाँ पर साइन इन का पेज आता है, राइट। इसको हम बोलते हैं लॉग इन, यानी हम वेब कंसोल इसको कहते हैं। और दूसरा एक और तरीका होता है दोस्तों, एक और मेथड होता है जो हम आगे चलकर सीखेंगे, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्री में इस समय चल रहा है, AWS का CLI। लेकिन उसके लिए क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। लिनक्स की जो कमांड्स होती हैं इनका हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बगैर हमारा काम होगा नहीं। तो आज पहला टास्क हमारा ये रहेगा। सेकंड टास्क हमारा दोस्तों क्या रहेगा, हम एक क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट EC2 इंस्टेंस एज लिनक्स OS। लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लेंगे, है ना, एंड लॉग इन देन टेस्ट, ठीक है। आज ये टास्क रहेगा हमारा, ठीक है ना। और सेम हम विंडोज के लिए करेंगे, राइट। एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे जो कि विंडोज टाइप की होगी, उसके अंदर लॉग इन करेंगे। या आज हमें दो टास्क करने हैं, एक तो लिनक्स मशीन बनानी है, एक विंडोज मशीन बनानी है। बिफोर गोइंग टू स्टेप नंबर सेकेंड, वी हैव टू जस्ट कंफर्म एंड श्योर दैट हमने सेलेक्ट किया एक प्रॉपर रीजन, ठीक है। जैसे कि आप सबसे पहले ये फिक्स करें कि आपका रीजन कौन सा है, राइट। कि आप अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं तो इंडिया का डेटा सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो US के किसी डेटा सेंटर में काम करना चाहूंगा, तो आपको वो डेटा सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देन आप काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी बात अपने को फिक्स करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। और लॉग इन कैसे करेंगे, लॉग इन वाया हम करेंगे जो मॉब एक्सट्रीम हमारे पास में है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा हम, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैं यहां पर आपको दे देता हूं कि दोनों के अंदर हम कुछ इस प्रकार से लॉग इन करेंगे। लॉग इन वाया यहां पर करेंगे हम RDP। अब ये सब क्या होता है, एंड टेस्ट द मशीन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, RDP क्या होता है, SSH क्या होता है, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज आगे बढ़ने से पहले कल की बात को कवरअप करेंगे दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, रीजन होते हैं, राइट। यहीं पर हमने स्किप किया था कि रीजन कर रहे थे, रीजन होते हैं अलग अलग डेटा सेंटर में। जब आप लॉग इन करते हैं इस पेज पर, यहाँ से आपने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद जब आप अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो वेब कंसोल दिखाई देता है, इस पूरे वेब कंसोल में दोस्तों, यहां पर आपको राइट हैंड साइड में आपको आपका नेम दिख रहा होगा, उस पर आपके अकाउंट आईडी आ रही होगी, उससे ठीक पहले आपको डेटा सेंटर के नाम दिख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो डेटा सेंटर है, इनके जो नाम आ रहे हैं, ये रीजन है सारे के सारे। क्या है ये, रीजन है। रीजन सबसे बड़ी एंटिटी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। रीजन सबसे बड़ी एंटिटी होती है, और रीजन सबसे बड़ी एंटिटी होने की वजह से उसके अंदर एज लोकेशंस होती हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। यहाँ पर जो रीजन है, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया एक रीजन है, कॉन्टिनेंट है, एक कहने का मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर डेटा सेंटर सेटअप है। हर डेटा सेंटर में, जैसे कल मैंने बताया था, लगभग 50,000 सर्वर्स हैं। ऐसे US के अंदर 4 रीजन है, इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर 4 रीजन बना रखे हैं, 2 ईस्ट में, 2 वेस्ट में, ठीक है। तो ये नॉर्थ वर्जीनिया को शॉर्ट नेम में क्या कहते हैं, रीजन में, US East 1। ऐसे ओहायो रीजन को क्या बोलते हैं, US East 2। नॉर्थ कैलिफोर्निया को बोलते हैं US East 1। ऐसे बोलते हैं, मतलब जिस डेटा सेंटर में आपको काम करना है ना, पहले तो आपको यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं यहां काम करना चाहता हूं। और वर्ल्ड का सबसे सस्ता, चीपर जो है डेटा सेंटर और फास्ट एक्सेस वाला जो डेटा सेंटर है, वो कौन सा है आपका, नॉर्थ वर्जीनिया है।
अगर आप लोग नॉर्थ वर्जीनिया में काम करना चाहें कर सकते हैं। आप लोग नहीं सर मैं तो अपने देश में काम करूंगा, हमारे देश के अंदर मशीनें बनेंगी तो लेटेंसी फास्ट होगी, मशीन्स भी सर सिक्योर रहेंगी, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ मुंबई, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले श्योर करना है कि आप कौन से डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं, नंबर वन बात। ठीक है, ये तो था आपका रीजन जो सबसे बड़ा होता है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, उसके अंदर मैंने कल बताया था कुछ अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, हर एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं दोस्तों, इनको ए बी सी डी ऐसे नाम दिए जाते हैं। हर रीजन में मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन होंगे ही होंगे, ये 3 जोन 3 लोकेशन हो सकती हैं, एक एक रीजन के अंदर ये 3 बिल्डिंग हो सकती हैं, ये 3 फ्लोर हो सकते हैं, ये 3 अलग अलग ऑफिस भी हो सकते हैं। ठीक है, राइट, तो इनको अच्छा मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है ना, मान लीजिए पूरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ए बी और सी 3 फ्लोर बना दी, ठीक है, या दो दो फ्लोर्स को एक नाम दे दिया, 1A 1B और 1C, 6 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स 1A की, 2 फ्लोर 1B की, और हर एक फ्लोर पे सर्वर सेटअप है, सर्वर लगे हुए, हार्डवेयर लगे हुए। ठीक है दोस्तों, ये तो थे अवेलेबिलिटी जोन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, AZ। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या है, जैसे रीजन होता है एपी साउथ 1, ऐसा एपी साउथ 1 के अंदर 1A 1B और 1C 3 अवेलेबिलिटी जोन होंगे। ठीक है, वो भी डेटा सेंटर ही है, सब पार्ट है डेटा सेंटर की, यूं कह सकते हो आप। ठीक है, डेटा सेंटर के सब पार्ट है। तीसरा आता है दोस्तों एज लोकेशन, ये मैंने कल चर्चा नहीं किया था, मैं शायद भूल गया था, इसको आज हम देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कैशे मेंटेन करने का सर्वर होता है, यहाँ पर कैशे मेंटेन की जाती है। ठीक है, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल शायद आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि आप देखते हैं नेटफ्लिक्स देखते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है अमेज़न का प्राइम है ना, और भी दुनिया भर की ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कैशे मेंटेन करती हैं, है ना, वीडियो स्ट्रीम वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वीडियो स्ट्रीम वेबसाइट्स हैं, या फिर कोई सपोज करो कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट इंडिया में लॉन्च कर रहा है सपोज करो। तो अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही कोई, अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए एजुकेशन के लिए, जैसे ही कोई वीडियो लॉन्च होता है, जैसे ही कोई वीडियो लॉन्च हुआ, सपोज करो ये जो है वो है यूएस रीजन, ठीक है, यहाँ इस यूएस रीजन से, ठीक है, यूएस का कोई भी है, मान लीजिए यूएस ईस्ट 1 के नाम से कोई रीजन है, ठीक है, यहाँ पर कोई वीडियो पब्लिश होता है, ठीक है, और वो वीडियो लोग देख रहे हैं यूएस के अंदर, उसी क्षण उसी समय पर भारत के अंदर दिल्ली में एक क्लाउड फ्रंट के नाम से एक सर्विस होती है, जिसको हम एज लोकेशन बोलते हैं, यानी CDN सर्विस बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको यहां पर ये क्या नाम दे रहा है, एज लोकेशन, क्या नाम दे रहा है, एज लोकेशन, टेक्निकल नाम इसे दे दिया एज लोकेशन, ठीक है ना, इसने कह दिया एज लोकेशन। ठीक है, ये कर क्या रहा है भाई एज लोकेशन, ये कैशे बनाते हैं, क्या करते हैं, कैशे को मेंटेन करते हैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यूएस से एक वीडियो लॉन्च हुआ, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई, वो उसी क्षण भारत के अंदर हाई डेफिनेशन में दिखाई देने लगी, समझ रहे हो, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए था, यूएस के अंदर एक वेब सीरीज आई, अब वो यूएस कॉन्टिनेंट में दिख रही है, ठीक है ना, तो एकदम से वो उसी समय पर सेम टाइम पर इंडिया में कैसे इतने हाई क्वालिटी वीडियोज में दिखाई दे सकती है, उसका कारण क्या है दोस्तों, ये जो वेब सीरीज थी ये यूएस के सर्वर्स पे ही थी, ये भारत के सर्वर पे उन्होंने नहीं अपलोड करी, तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने कैश अपलोड करी ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो एज लोकेशन है ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का एक टनलिंग बोलते हैं, इस टनलिंग में से दोस्तों हो सकता है कि 100 Gbps के ऊपर, 100 GB/s के ऊपर जो समुद्र के रास्ते से यहाँ पे जो केबल आ रही है उसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री जो कनेक्टिविटी है फाइबर से है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है AWS के द्वारा, वो जो केबल यूज कर रहे हैं ये है ना, सी वाइड, सी के समुद्र के जो नीचे जो केबल चल रही है, उस केबल के अंदर जो डेटा जो रोटेट कर रहा है वो 100 Gbps के ऊपर रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही कोई कैशे यानी जैसे कोई डेटा यहाँ लॉन्च होता है, उसकी एक रेप्लिका यानी कॉपी बन जाती है सेम हर देश में जहां पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये जो एज लोकेशन होती है ना, जैसे मुंबई एक रीजन है, उसके 3 अवेलेबिलिटी जोन है,
तो ऐसे ही उसका एक आप मानो एक एज लोकेशन दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है, इसका ये मैंने लोकल नाम लिखा था कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये भी हटा रहा हूँ। तो जो एज लोकेशन है वो कहाँ बना दिया दोस्तों इन्होंने, सपोज करो देश के सेंटर में बना दिया और उसका नाम है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, एज लोकेशन बना दी, एज लोकेशन ईएल नाम दे दिया उसको, ठीक है, उनको नाम दे दिया ईएल एज लोकेशन। अब वो दिल्ली में क्या करते हैं दोस्तों, कैशे को मेंटेन करते हैं, किसको मेंटेन करते हैं, कैशे को मेंटेन करेंगे कि भाई जैसी कोई वीडियो आएगा ना उसका तुरंत कैशे बना दो यहाँ पर दिल्ली में, ताकि पूरे देश में कहीं से भी राजस्थान से पंजाब से हिमाचल से जम्मू से जहां से भी कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखेगा तो कैशे मेंटेन करेगा। तो कुल मिला के जो कैशे मेंटेन करने का खेल है ना वो सारा काम कौन करता है, एज लोकेशन करते हैं। ये एज लोकेशन होते हैं दोस्तों अवेलेबिलिटी जोन के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन रीजन के अंदर होते हैं, याद रखिएगा जो एज लोकेशन होती है वो रीजन से वो अवेलेबिलिटी जोन से दूर हो सकती है बाहर हो सकती है, एज लोकेशन एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे हमारे देश में तीन जगह पर एज लोकेशन है, दिल्ली के अंदर है, एक चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, ठीक है, इन तीनों पर कैशे मेंटेन होती है। इस ये टेक्निकल टर्म जो है ये नेम AWS ने खुद ने दिया है। इसका जो लोकल मार्केट में जो नाम है उसको बोलते हैं दोस्तों CDN, क्या बोलते हैं CDN, ठीक है। अब CDN की वजह से ही सारी वेबसाइट्स की कैशे मेंटेन होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है वो भारत में भी बिक सकता है ना, वहां की वेबसाइट यहां दिखाई दे सकती है। ब्रिटिश के अंदर अगर कोई चैनल चल रहा है या कोई पेपर चल रहा है या कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसको इंडिया में सेल करना है तो उसके लिए CDN को सेटअप करना पड़ता है। तो CDN की मदद से ही हम क्या करते हैं दोस्तों, कैशे को इम्प्रूव करते हैं। वरना क्या होता है कि एक प्रोडक्ट सिर्फ एक लोकेशन पे ही क्या हो जाता है, वैलिड रहता है। अगर किसी कंटेंट को हम वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, कैशे बढ़ाने के लिए CDN। अब बात यह है कि यूरोप में अगर कोई सर्च करे बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाउड, तो उसके अंदर यदि CDTS बीकानेर का नाम आ जाए सोचो, है ना, तब मजे की बात है ना। अब बीकानेर के बीकानेर में रहते हुए आप सर्च करते हो बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बीकानेर, तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको IIT के अंदर हमारा नाम दिख जाए। यदि कोई व्यक्ति चेन्नई में बैठकर ये सर्च करे लेट अस नो गूगल पे जाके लिखे बेस्ट IT इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो उसमें नाम किसका आ जाए, अपने इंस्टीट्यूट का ऊपर आ जाए, है ना, फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो अपने स्टूडियो आ जाए। तो वहां पर हम SEO के साथ साथ में CDN मेंटेन कर रहे हैं। चलो ये तो देश की बात थी, आपने सोचा कि सर SEO कर रखा होगा, मैं बात करता हूँ यूरोप की और US की, तो वहां के सर्वर्स पे वहां के लोगों को हमारा बिजनेस कैसे दिखेगा भाई, तो उसके लिए मुझे फिर क्या बनाना पड़ेगा, CDN को बनाना पड़ेगा, ताकि अपनी वेबसाइट्स वहां पर भी लिस्टेड हो, वहां पर भी लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो तीन चीज हो गई, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, एज लोकेशन, कुल मिला के ये क्या करते हैं, कैशे मेंटेन करते हैं। चाहे आपका वीडियो जैसे कि नेटफ्लिक्स से मैंने एग्जांपल दिए, जैसे कि अमेजन प्राइम है, अगर यूरोप के अंदर कोई डायरेक्टर लॉन्च करता है अपनी वेब सीरीज तो भारत में देखिएगा आप विद इन फ्यू सेकेंड वो मैसेज आ जाता है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी पे रन होता है। तो कोई ना कोई व्यक्ति भारत के अंदर ओपन करेगा अमेजन प्राइम को, उस वीडियो पर क्लिक करेगा, एक बार वीडियो चल गया तो उसकी कैशे बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैशे कैसे बनती है, वंस अ टाइम वो यूजर एक बार वेबसाइट पर क्लिक करता है उसकी कैशे, कहने का मतलब एक बार वीडियो की स्ट्रीमिंग हल्की सी डाउन रहती है फिर वो कैशे को मेंटेन कर लेता है अपने आप ही, ठीक है। अगली बार अगर कोई वो वीडियो पूरे देश में से किसी ने भी देखा तो तुरंत उसको हाई क्वालिटी के ऊपर वो वीडियो स्ट्रीमिंग होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एज लोकेशन का रोल, जो कि हम आगे देखेंगे, बहुत शानदार चीज है और इस पर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाएंगे आज हम, और इंस्टेंस बनाते हैं हम कहां पर, सब लोग देखें ध्यान से देखिए, हम जाएंगे AWS के यहाँ पर होम पेज पे, यहाँ पर सर्विसेज में जाना है हमें। सर्विसेज में जाने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, सर्विसेज में जाने के बाद में हम ढूंढेंगे यहाँ पर कंप्यूट, कंप्यूट में जाकर देखेंगे EC2। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बताएं क्या आपने सर्विसेज में जाके कंप्यूट में जाकर EC2 पर क्लिक किया था क्या, और किया था तो क्या आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है दोस्तों, यस और नो? यस सर। ठीक है, और अगर आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है तो आप जब इंस्टेंस के अंदर जाते हैं तो क्या आप यहाँ पर जब देखेंगे क्या ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, या अभी भी लिखा हुआ आ रहा है कि योर अकाउंट इज इन सस्पेंडेड मोड या जो भी सर्वलेंस मोड, कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं आ रहा किसी को कि भाई आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ? ठीक है, जिनका नहीं हुआ
वो दो दिन ले लेना बीच में भी, मैं ऑफ रखूंगा सैटरडे संडे काम दूंगा दो दिन, इतना काम दूंगा कि आप लोग आराम से दो दिन अपने टास्क करते रहोगे, ठीक है। तो मैं दो दिन इसलिए भी दे रहा हूँ, पहली बात तो ये कि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है सबको। दूसरी बात ये दोस्तों कि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करो, घर पे भी टाइम दो, ठीक है, और सब सेट कर लो दो दिन में, लैपटॉप भी सब, क्योंकि हो सकता है एकदम से जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या करें और क्या ना करें, तो लैपटॉप भी सेट कर लो। जब सब चीज सेट हो जाए दो दिन के अंदर तो मंडे को आपने मिलेंगे, आराम से करेंगे काम सारा, ठीक है। तो चलिए हमने क्या करना है, हमने जाना है दोस्तों सर्विसेज में, हमने जाना है कंप्यूट में जाना है, इसके अंदर ईसी टू पर क्लिक करना है। ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, इंस्टेंस रनिंग में जाना आपको, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जहां से भी क्लिक करें, ठीक है, आप कहीं भी क्लिक कर दें। आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने कोई मशीन नहीं आ रही, आप यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करेंगे। तो अब हम आज क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, हम एक वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम एक वीएम क्रिएट करेंगे, क्रिएट ईसी टू इंस्टेंस। ये होती क्या है दोस्तों, एक वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है, और फिर यहां से दोस्तों हम शुरू करेंगे क्या, लिनक्स को पढ़ना। लिनक्स की कमांड्स भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा कमिटमेंट आपके साथ में है कि मैं लिनक्स सिखाऊंगा इसमें, तो हम लिनक्स सीखेंगे तब जब हमारी मशीन लॉन्च हो जाएंगी। तो चलिए यहां से आज हम एक मशीन को लॉन्च करते हैं, मशीन का नाम रखते हैं सपोज करो ईसीबी, या हम कह देंगे सर्वर वन, ठीक है, और सेम नाम के दो सर्वर नहीं हो सकते, अगर मैंने पहले नाम ले रखा होगा सर्वर वन तो फिर दिक्कत होगी, तो मैं आज इसको नाम कर देता हूँ माई सर्वर वन, ठीक है, यूं कर देता हूँ, सेम नाम के दो इंस्टेंस नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, आपको यहाँ पर AMI नजर आएंगी। AMI का फुल फॉर्म होता है अमेजन मशीन इमेज। तो जितने भी वेंडर हैं दुनिया में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, रेड हैट है, यूबंटू है, इन्होंने अपनी ना बेस इमेज दे रखी है हमारे को, जैसे बेसिक इमेज होती है ना DVD के अंदर, वैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज दे रखी है। आप अलग अलग फ्लेवर के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अमेजन का भी एक लिनक्स आता है क्या? हाँ, और बहुत फेमस है ये लिनक्स, मालूम है, बिल्कुल सेंटोस और रेड हैट के ऊपर बना हुआ है। तो दुनिया में दोस्तों क्या है कि ना इतने लिनक्स हैं, इनका कारण क्या है हम पढ़ेंगे कि कर्नेल इनका कारण होता है। कर्नेल क्या होता है? जो फ्री होता है लिनक्स में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना पॉपुलर होने का कारण क्या है दोस्तों? इसका कर्नेल, कई लोग कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, हार्डवेयर नहीं होता, कोई सोचे हार्डवेयर होता है। ये दोस्तों क्या होता है? फ्रीली अवेलेबल होता है, और इससे ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड होते हैं, और इसे इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। यही तो कारण है, अगर आपने देखा होगा तो वीवो है ना, ओप्पो, ठीक है, सैमसंग, MI, शाओमी है ना, दुनिया भरी कंपनी, इनकी सबकी क्या है? अपने अपने एंड्रॉइड है। अब एंड्रॉइड OS क्या है? लिनक्स ही तो है, और क्या है वो? और ऐसी चीज थोड़ा है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स ही तो है। अब वो लिनक्स पे क्या करते हैं? अपना लोगो डालते हैं और एप्लीकेशन डाल के बेचते हैं सामान को। हार्डवेयर के पैसे होते हैं एंड्रॉइड फोन के अंदर, याद रखना, सिर्फ हार्डवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भाई। एप्पल में क्या होता है? एप्पल में हार्डवेयर के साथ साथ में OS के भी पैसे होते हैं, इसीलिए एप्पल जो है iOS वो एक प्रकार का यूनिक्स है। यूनिक्स OS के एग्जांपल, यूनिक्स OS में भी क्या होता है दोस्तों? कर्नेल होता है, ठीक है, वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है सब कुछ, बट वो क्या होता है? पेड होता है, पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब वो पेड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसे कि iOS हो गया, और यूनिक्स एग्जांपल क्या है दुनिया में, मैं बताऊं आपको, है ना, iOS का मतलब एप्पल का iOS, सन सोलारिस, ठीक है, सन ऑपरेटिंग, सन माइक्रो सिस्टम का सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। HP कंपनी ने अपना यूनिक्स बना रखा है, उसका नाम है UX। IBM का है दोस्तों, IBM का है इरिक्स, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग नाम से यूज बना रखे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर फिर वो जो हम पढ़ते हैं Ubuntu वगैरह, वो सब फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, Ubuntu फ्री है, ठीक है, Ubuntu फ्री है, Red Hat पेड है, ठीक है, Red Hat पेड है, Red Hat का लाइसेंस लेना पड़ता है। जो लोग Red Hat का लाइसेंस नहीं ले पाते, वो अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने सेटअप पे CentOS यूज करते हैं, वो क्या है? फ्री है, ठीक है। Ubuntu एक ऐसा है Debian ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस दुनिया में दो प्रकार की सीरीज चलती है दोस्तों, एक तो होती है Red Hat बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना सब लोग, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, मैं लिख भी देता हूँ। इस दुनिया में लिनक्स दो प्रकार के आपको मिलेंगे, जिनके कर्नेल होंगे। पहला तो मिलेगा आपको कैसा प्रकार, जो कि Red Hat टाइप का होगा, ठीक है। दूसरा आपको प्रकार मिल सकता है दोस्तों, जो कि Ubuntu बेस्ड होगा, जिसको बोलते हैं Debian सीरीज,
है ना, ये इंडोनेशियन लिनक्स कह रहा है, इसको बोलते हैं यूबंटू, ठीक है, सब इससे बनते हैं, ठीक है। अब डेबियन के अंदर क्या नाम होता है, यूबंटू, एड्यूबंटू, बहुत सारे नाम है, एड्यूबंटू, ठीक है, कुबंटू, दुनिया भर के नाम है, इतने ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम भी तुम एक खुद डेबियन के नाम से ही है, ठीक है। अब यहाँ रेडहैट में क्या क्या आते हैं, रेडहैट में आते हैं भैया फेडोरा, रेडहैट में आता है रेडहैट की जैसा सेंटोएस, ठीक है, रेडहैट के अंदर आता है कौन सा, काली लिनक्स, आपने देखा होगा, नाम सुन रखा होगा काली लिनक्स, काली लिनक्स का नाम बच्चों ने सब सुन रखा होगा, पक्की बात है ना। और फिर उसके बाद में नाम क्या आता है, और कौन सा ओएस होता है, साइंटिफिक ओएस होता है, ठीक है, एक क्लियर ओएस है, ठीक है, जिसको आप कई बार देखते हो ना, एक वेबसाइट है क्रिक बज, नाम सुन रखा है क्रिकेट के स्कोर आते हैं, क्रिक बज, ये वेबसाइट ये वाला ओएस यूज करती है, क्रिक बज पे क्रिकेट के स्कोर आते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो वेबसाइट पूरी चल रही है ना, पता है किस पे चल रही है, ये लिनक्स पे चल रही है, और वो जो यूज कर रहे हैं वो है क्लियर ओएस। तो ये फ्लेवर बता रहा हूं मैं, जैसे अपन कहते हैं ना ये प्रकार है, रेड हैट कंपनी का ही एक टाइप है, रेड हैट तो खुद तो पेड है, लेकिन रेड हैट ने कहा यदि किसी को फ्री में काम कर रहा हूं ना तो ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका नाम। और ऐसे लिनक्स में एक नाम नहीं दोस्तों, दो नाम नहीं है, हजारों नाम है लिनक्स के। और इसका कारण क्या है लिनक्स के ऐसे नाम होने का, लोग फ्री में कर्नल को डाउनलोड करते हैं, उसको अपने नाम से पब्लिश करते हैं, और ये इतना आसान नहीं होता, टीम वर्क होता है, बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। यही कारण है कि आप लोग अलग अलग नाम से मोबाइल फोन्स के ओनर देखते हैं, ठीक है, ब्रांड देखते हैं। यूनिक्स ओएस भी एक लिनक्स का ही सुपर बॉस है ना, सुपर एंटिटी है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना है, 1970s का है, जिसे कर्नल जो है वो पेड है, और हाईली सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया था। यही कारण है कि एप्पल का जो iOS है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और सिक्योर iOS कहलाता है, और हाईली पेड होता है। वहां पर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के भी पैसे होते हैं, जबकि आप लोग देख लीजिए आपके फोन के अंदर कभी एंड्रॉइड OS डिलीट हो जाए तो उसको रीसेट कर सकते हैं, उससे कोई पैसा नहीं होता, रीसेट करने का, अपडेट करने का कोई पैसा नहीं लगता, ड्यू टू लिनक्स कम्युनिटी। तो ये लिनक्स की कम्युनिटी है, पहले यूनिक्स आया था दोस्तों, बाद में लिनक्स आया, ठीक है। यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोप्राइटरी ओएस कौन सा होता है, इसमें मालिकाना होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी का वैसा, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए यूज करते हैं। इंडिया में आपको रेयर दिखेगा, ये रेयर है, ये रेयर इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर ये रेयर मिलेगा। तो आपको क्या मिल सकते हैं, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकते हैं, रेड हैट मिल सकते हैं, सेंट ओएस मिल सकते हैं, फेडोरा मिल सकते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर की बात करेंगे तो आपको रेड हैट और फेडोरा के सर्वर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। आप भारत से बाहर जाएंगे, यूरोप साइड में कभी जाएंगे तो आपको जितने सर्वर्स मिलेंगे कंपनी में वो यूबंटू के मिलेंगे। तो दुनिया में दो भागों में बटा हुआ है लिनक्स, एक तो रेड हैट कम्युनिटी, एशिया के लोग ज्यादातर रेड हैट यूज करते हैं, यूरोप साइड के लोग, अमेरिकन जो हैं वो सारे के सारे डेबियन यूज करते हैं। अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग अप्रोच है, इन द एंड दोनों की कमांड सेम है दोस्तों, कमांड में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, दोनों है लिनक्स ही, वो सेम लिनक्स है, ठीक है ना। तो यूनिक्स हम यूज नहीं कर सकते, बहुत हाईली पेड होता है ये, ठीक है ना, हाईली पेड, यहाँ पर हाईली पेड। इवन आप ये देख लो TCS विप्रो जैसी कंपनियां भी ये यूज नहीं करती, कहने का मतलब यूनिक्स यूज नहीं करती, HP खुद का यूज करता है, HP खुद का है, IBM का है, ठीक है ना, तो ये यूज करते हैं। बट जो इंडस्ट्री में काम आता है वो ज्यादातर आता है यूबंटू या CentOS, रेड हैट बहुत रेयर है, रेड हैट के लाइसेंस लेने पड़ते हैं जो कि काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम अमेज़न लिनक्स ले लेंगे आज, या हम एक काम कर लेते हैं, आज हम सबसे पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं जिसका नाम है क्या, रेड हैट, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब CentOS का नया नाम जो है वो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अमेज़न लिनक्स के नाम से, ठीक है दोस्तों, है ना। अब आपको यह देखना है कि CentOS जो है ना वो यहाँ पर किस नाम से मिल रहा है, अमेज़न लिनक्स के नाम से दिखाई दे रहा है। यहां तक सबको क्लियर है क्या, पहले तो ये बताओ जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, सब बातें बता रहा हूँ, कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर आई थिंक इसमें कुछ इश्यू नहीं लगेगा, है ना, रिकॉर्डेड सेशन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ। भाई मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि कल को बच्चे पूछ ही लेते हैं यार लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, सर बताओ ना, या इंटरव्यू पूछ लेते हैं यूनिक्स और लिनक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है भाई, ये प्रोप्राइटरी है, ये सिक्योरिटी होती है, रेयर होता है, हाईली पेड होता है।
अब कोई बात करें लिनक्स कैसा है भाई, लिनक्स पहली बात तो क्या होता है, ओपन सोर्स है एंड फ्री वेयर है, बात ही खत्म, यानी फ्री में मिल रहा है। और सोर्स को ओपन सोर्स का मतलब क्या है, बहुत बच्चे इतने परेशान होते हैं, नाम बहुत सुनते हैं, ओपन सोर्स का मतलब होता है दोस्तों विच अवेलेबल विद सोर्स कोड। अब बताओ कौन ऐसा भला मानस जो अपना कोड भी देगा, आप लोग बीटेक कर रहे हो, आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे अभी थोड़े दिनों में, अगले नेक्स्ट 40 डेज के बाद में, तो क्या अपना आप सोर्स कोड किसी को दे दोगे क्या बच्चे को? किसी को नहीं दोगे आप, आपने कैसे बनाया आप किसी को नहीं बताओगे, आप मेंशन कर दोगे मैंने ये बनाया ऐसे किया, लेकिन आप पूरी ट्रिक थोड़ा बताओगे किसी को कि मैंने ऐसे से किया, मैंने ये यूज किया, मैंने ये कोड किया, मैंने ऐसा किया तो ये ऐसा बन गया, नहीं बताओगे आप। जबकि ओपन सोर्स कम्युनिटी क्या कहती है कि सोर्स कोड फ्री है, किसका, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा वीएलसी प्लेयर, सबने देखा है वो मूवी, देखी होगी तुमने, वो मूवी देखी है, वीएलसी प्लेयर ओपन सोर्स है, फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, ठीक है, पीएचपी ओपन सोर्स है, MySQL ओपन सोर्स है। अब देखो कितने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तुम यूज करते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, C++ की जगह लोग यूज करते हैं, अच्छा सी की जगह यूज करते हैं GCC, C++ की जगह यूज करते हैं G++, ठीक है, पाइथन यूज करते हैं लोग, ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है, पर्ल ओपन सोर्स है, और बताऊं क्या, ओपन जावा, ओपन JDK, ठीक है, ये भी ओपन सोर्स है, एक्लिप्स ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है, एंड लिनक्स तो ओपन सोर्स है ही, ये तो OS के अंदर आ गया, और बताऊं कितने नाम है यार, कितने हजारों नाम है जो कि ओपन सोर्स के अंदर आते हैं, राइट, तो ये सारे, अगर ये तो मैंने एक एग्जांपल बात करी है, अब मैं बात करूं इनके अंदर बनने लिनक्स में चलने वाली जो कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स कैसे बनी, ये कौन सी भाषा में बनी, पाइथन में बनी, सी लैंग्वेज बनी, इनका सोर्स कोड तक अवेलेबल है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो, चेंज करके लॉन्च कर दो उसको, ठीक है, यही तो होता है ओपन सोर्स, और क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है विच अवेलेबल सोर्स कोड, कोई सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स के अंदर अवेलेबल है। अब आप कहोगे सर ये तो विंडोज में भी होता है, तो आप मुझे ये बताओ विंडोज में अगर कोई कहे कि मेरे पास विंडोज मीडिया प्लेयर है ना, विंडोज मीडिया प्लेयर है, इस मीडिया प्लेयर को कैसे बनाया गया कोई बता सकता है मेरे को? कोई नहीं बता पाएगा इसके अंदर, है ना, ये जो मीडिया प्लेयर है, मेरे को तो ये बताओ कि इस मीडिया प्लेयर की ये जो बाउंड्री है या ये जो मेन्यू बनाया है, इनका सोर्स कोड मेरे को दे दो .NET के अंदर, तो आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि विंडोज के अंदर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, विंडोज एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, विंडोज एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स की दुनिया में जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनकी यही शर्त होती है वो फ्री में अवेलेबल होंगे, ठीक है, राइट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ PHP MySQL फ्री, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर दोस्तों इंजीनियरिंग के इतने सॉफ्टवेयर हैं आप देख सकते हो, जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत काम है, बहुत बढ़िया चीज है, AICTE की एक वेबसाइट होती है ना, वहां जाके देखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लिस्ट देख लेना, सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों कॉलेज में ना MS माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस खरीदे जाते हैं, जबकि लिब्रा ऑफिस के नाम से आप देखोगे है ना, ये फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स का प्रोडक्ट ऑफिस, अच्छा जैसे एडोब का एक्रोबैट रीडर होता है, वैसे यहाँ पर होता है ओपन रीडर, ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमने तो अभी लिब्रा ऑफिस यूज ही नहीं किया, हम तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, तो भाई ये देखो क्लाउड की सर्विसेज देखो आप कितनी सारी, आप जीमेल यूज करते हो, आप कहोगे हाँ सर यूज करते हैं, जीमेल में आपने कभी ये यूज नहीं किया ड्राइव में जाके कभी, यहाँ पर कोई जैसे सपोज करो राइट क्लिक किया तो आपको कोई फाइल क्रिएट करनी होती है, ये देखिए है ना, गूगल की स्लाइड, गूगल के डॉक्स, बिल्कुल वैसा माइक्रोसॉफ्ट की तरह आता है ना, खुल रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरह खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा का मतलब ओपन सोर्स का ऑफिस है, जो चीज आपको क्लोज सोर्स में है वो सारी चीजें ओपन सोर्स में आपको मिलेंगी, तो आप ना इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो बेटा यहाँ पर कि AICTE के, AICTE जो ये लिस्ट है ना पूरी, ये देख लेना बेटा ये लिस्ट दे रखी है, ये फ्री में सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं यहाँ से, ये देखो आप क्लिक करो, मैटलैब कितना महंगा सॉफ्टवेयर वालों में, जिसको नहीं पता अपने कॉलेज में पूछना मैटलैब की क्या कॉस्टिंग आती है, तकरीबन 8-10 लाख रुपए का एक लाइसेंस आता है, उसका फ्री वर्जन कौन सा है, साइलैब है, ये तुम खुद पढ़ सकते हो, यूबंटू पे सेटअप करके दिखाओ अपने कॉलेज में, ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, किससे काम आता है ये देख लो, इंजीनियरिंग में यहाँ काम आता है, और ये कौन दे रहा है भाई, ये दे रहा है AICTE आपको फ्री में दे रहा है आपको, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चे विंडोज की तरफ जाते हैं, यहाँ कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है मैथमेटिका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह कौन सा है दूसरा, दो दे रखा है ओपन ऑफिस,
अच्छा लैटेक्स के नाम से यहाँ पर क्या होती है, पाइथन के अंदर लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं इंजीनियरिंग की, तो लैटेक्स यूज करते हैं, तो ये आप यूज करें, बहुत बढ़िया ये भी, ठीक है। टर्बो सी की जगह जीसीसी, प्रो ई की जगह ये, ठीक है ना। और कितने सॉफ्टवेयर हैं यार, कितने सॉफ्टवेयर देख रहे हो, मैटलैब की जगह ये यूज कर सकते, यानी एग्जाम्पल है, जैसे ऑटो कैड है सिविल वालों के लिए, तो काई कैड के नाम से आता है, ठीक है। और लाइसेंस किसका, जीपीएल, जीपीएल होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ओपन सोर्स का, फ्री में, फ्री में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, जीएनयू लिनक्स, ये देख लो, है ना बॉस। अब भारत ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, पता है तुम्हें, भारत ने अपना ओएस बना दिया, युबंटू है ना, इसको तोड़ मरोड़ के क्या बना दिया, युबंटू का बना दिया बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है भाई, ये रहा, कितनी बढ़िया लिस्ट है। तो मैं आपको ये ना लिस्ट दे रहा हूँ, ये कॉपी करके नोट्स में डाल रहा हूँ, देखना बैठ के, और अपने कॉलेज में दिखाना कि सर ये देखो फ्री में सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं सर, और AICTE दे रहे हैं सर। तो भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है बॉस, ये अभी शायद ना एनसीईआरटी के अंदर सिक्स्थ क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छठी क्लास में, ये दिल्ली में मैंने देखा है ना। और ये क्या कर रहा है देखो, डेस्कटॉप भी अवेलेबल है, लैपटॉप में एडियो बॉस भी है, बॉस सर्वर है, जैसे मैंने बताया ना युबंटू, वैसे युबंटू की जगह ना अब एक नाम और ऐड कर लो भाई यहाँ पर, क्या नाम कर लो, बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो हमारे देश में भी काम हो रहा है, इसको बनाया किसने, इसको बनाया है सीडैक ने, सीडैक का नाम सुन रखा है ना, भारत में जो संस्था है एजुकेशन सोसाइटी है वो बना रही है इसको। तो इसके अंदर आपको आगे चल के इंटर्नशिप का काम मिल सकता है, बहुत बढ़िया, मेरे से लिनक्स पढ़ो, क्लाउड पढ़ो, और यहाँ अप्लाई करना सीडैक के अंदर, आपकी जिंदगी के ऊपर ये मान लो कवर चढ़ जाएगा कि हाँ यार हमने इसमें कर लिया, ठीक है। आप रिसर्च वर्क में भी जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देखो कितने टूल्स आ रहे हैं, है ना, बच्चों के लिए टूल्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है सीडैक के अंदर, है ना, रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। अबाउट अस में जाके देखो क्या है। तो भारत ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, ठीक है, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, और यहाँ पर सारा काम हो रहा है, और बच्चों के लिए काम हो रहा है कि इंजीनियरिंग के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो क्या क्या यूज करेंगे, विंडोज को छोड़कर कैसे ओपन सोर्स में जा सकते हैं, ये सारा काम हो रहा है, राइट। और ज्यादा है तो आप लोग ना ऐसे फोरम्स ज्वाइन कर लो, ओपन सोर्स कम्युनिटी इन इंडिया, है ना, कम्युनिटी इन इंडिया, ये ज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है, ये फ्री में, ये भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप इनको प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, इनके अंदर अपीयर हो सकते हो, ठीक है ना। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी डॉट इन के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, आप इसमें लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हो, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी कोई एक्टिविटी हो रही है, क्या भारत में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आप वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हो। ओपन सोर्स इंडिया में चल जाना, यहाँ पर चले जाना, ये भी बहुत बेस्ट, मैंने यहाँ ज्वाइन कर रखा है इसके अंदर भी, ठीक है, कौन कौन से स्पीकर्स हैं, क्या क्या नया लॉन्च हो रहा है, कौन सा अपडेट आया है लिनक्स में, क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, डेवलपर हैं, डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप क्लाउड में काम कर रहे हो, अभी हम कहाँ काम करेंगे, हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आईटी इंफ्रा के अंदर, ठीक है ना, हम डेवऑप्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को सीखना है, लर्न करना है कि ये क्या है, गूगल का क्लाउड कैसे काम, हो सकता है कि आपको ना, आप न्यू ज्वाइनर हो, स्टूडेंट हो कॉलेज के, तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाउचर्स दे सकता है क्लाउड के, पेपर के, एग्जाम के, तो बहुत सारे आपको कहने का मतलब अवेलेबल हो सकती है फीचर्स, गेट अ फ्री पास, यहाँ से फ्री पास ले लें, अटेंड करें इसको, जाकर देख के आए, ठीक है। तो ये देखो कहाँ हो रही है कम्युनिटी, चेक करो कहाँ पर होगी, नेक्स्ट कहाँ पर होगी, घूम कर आओ, देख कर आओ क्या हो रहा है, ठीक है, ये फॉर्म भरना है, ये इस चीज को ज्वाइन करो, है ना, एक्टिव रहना पड़ेगा भाई इसमें, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया, ये दोनों चीज ज्वाइन करना, देखना। अब दोस्तों आज का जो टास्क है, हम उस पर दोबारा आते हैं, ठीक है, आज के टास्क पर आते हैं, शायद ही कुछ ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये था दोस्तों एक लिनक्स का ओवरव्यू, जहां ओपन सोर्स अवेलेबल है, सोर्स कोड में चेंजेस करना अलाउड है, उसको अपने नाम से लॉन्च करना अलाउड है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, बहुत सारी चीजें इसमें, देखो आप कहोगे सर हम तो, अब आपके दिमाग पता क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम सुनते ही, जैसे एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने डीवीडी में पेनड्राइव में इंस्टॉल किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, ये ले यार अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना विंडोज का, पर दोस्तों ये गलत है, ये गलत है, ये होम यूज के लिए कर रहे हो, ठीक है, उसमें अपडेट नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज अपडेटेड रहे, लाइसेंस विंडोज है, तो आपको विंडोज को लाइसेंस के पैसे देने पड़ते हैं 2,000 से 3,000 रुपए। नया लैपटॉप लाते हो तो लैपटॉप के साथ में विंडो आता है, उसके पैसे जुड़कर आते हैं साथ में दोस्तों, मालूम है 2,000-3,000 रुपए जो विंडोज के होते हैं ना, वो जुड़कर आते हैं ओएस के। जबकि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ना लें, तो आपके 2,000 से 3,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, और फिर आप उसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, युबंटू या फिर कोई अन्य लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो।
तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है किसका? लिनक्स के अंदर आप एक डीवीडी से हजारों मशीन रेडी कर सकते हो, आपको अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। यह बेनिफिट होता है ओपन सोर्स का, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम वापिस आते हैं अमेज़न के लिनक्स पर और अमेज़न को देखते हैं कि अमेज़न क्या कर रहा है। चलिए हम थे यहां पर, हम थे EC2 इंस्टेंस में और यहां पर आकर दोस्तों हमने क्या किया था, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया था और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद में हमने देखा था यहाँ इंस्टेंस का नाम पूछा, तो मैंने इसका नाम दिया था माई सर्वर वन। देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर यूज करेंगे अमेज़न लिनक्स यूज कर रहे हैं आज। ठीक है, और यहाँ पर 2023 AMI आ रही, कहता है लेटेस्ट AMI है, एक तो ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सारी ट्रेनिंग जितनी भी कराऊंगा वो अमेज़न पे करवाऊंगा। आज प्रैक्टिस के लिए हम अमेज़न भी ले सकते हैं, हम Ubuntu भी ले सकते हैं, हम Red Hat भी ले सकते हैं। जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको सारी की सारी वो रहेगी अमेज़न लिनक्स के अंदर। कहां पर करवाऊंगा मैं फिर बोल देता हूं, अमेज़न लिनक्स के अंदर मैं आपको AMI 2 पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, Amazon Linux के अंदर AMI 2, क्योंकि ये स्टेबल है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 2023 AMI जो है इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, बग हैं, क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ ही है रिसेंटली। ठीक है, तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, AMI 2 यूज करेंगे जो कि स्टेबल वर्जन है। ठीक है, अब आप बताएं, मैं आज आपको ऑप्शन देता हूं, हम आज की प्रैक्टिस लिनक्स की कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे करें आप लोग मुझे बताएं। एक तो है अमेज़न का लिनक्स है जो कि CentOS का ही नया नाम है यूं कह सकते हो आप, एक है दोस्तों Ubuntu है, एक है दोस्तों Red Hat है, इन तीनों में से मैं कौन सा लूं बताओ, आप बताओ, आप जो बोलेंगे मैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल कर दूंगा और उसको लॉन्च कर देता हूं। बताओ बेटा, किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया है मुझे Ubuntu, भगत ने लिखा है Ubuntu, तो Ubuntu आप अपने कॉलेज में देख रहे हो, क्या है आपके कॉलेज में Ubuntu? शायद होंगे, लैब में होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं सेटअप करके आया था 2018 में 19 के अंदर, है ना, तो मैंने लैब सेटअप की थी आपकी पूरी की पूरी। ठीक है ना, पूरी लैब सेटअप करी है, तो ठीक है चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको GUI की सर्वर है, यहाँ देखना ये GUI नहीं मिलेगा, CLI मिलेगा, देखो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी तुम्हारे को। Ubuntu में जाना है, Ubuntu को सेलेक्ट किया तो जो सबसे लेटेस्ट है 22.04 LTS वर्जन हमारे को मिल रहा है। ठीक है, नीचे आते हैं, इंस्टेंस का टाइप कैसा चूज, अपने आप आ जाएगा इंस्टेंस, T2 माइक्रो, फ्री टायर। फ्री टायर में क्या होता है दोस्तों, फ्री टायर में एक CPU, 1 GB की रैम, ठीक है, और कहता है ये कैसी है, ऑन डिमांड है, तो अब अपन सीखेंगे आने वाले टाइम में कि ऑन डिमांड क्या होते हैं। ठीक है ना, राइट, और हमारे रिजर्व इंस्टेंस क्या होती है, तो जो मैं अभी बना रहा हूं ये ऑन डिमांड है, यदि ये एक साल बाद बनाऊंगा, ध्यान सुन लेना फिर बता रहा हूं, यदि मशीन अभी बना रहा हूं 1 ईयर के अंदर तब तो ये फ्री है, अगर मेरे अकाउंट को बने हुए 1 साल हो जाते हैं और 1 साल के बाद में मैं T2 माइक्रो मशीन को लॉन्च करूंगा तो मेरे ऑन डिमांड में क्या प्राइसिंग आएगी लिनक्स मशीन को लॉन्च करने की, 0.124 US पर आवर, लगभग 1 रुपया होता है, देख लो इसको, $0.0124 INR कर लो इंडियन रुपीज में, तो भाई कितने रुपए आते हैं, 1 रुपया 2 पैसा। तो एक लिनक्स मशीन को 1 साल बाद में पेड अकाउंट से चलाऊंगा इसी मशीन को तो मेरा 1 रुपया पर आवर आएगा 1 घंटे का। तो ये मशीन कहाँ बन रही है, मुंबई में, मुंबई डेटा सेंटर में, ठीक है, मुंबई रीजन में यूं बोलेंगे, ठीक है ना, और इस मुंबई रीजन में मशीन जो बन रही है मेरी ये कैसी है दोस्तों, फ्री टायर में बन रही है अभी तो, क्यों, क्योंकि 1 साल तक मेरा अकाउंट फ्री है। ठीक है, और ये मशीन बन रही है ऑन डिमांड पे, कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है ना, तो ये कैसी मशीन है, ऑन डिमांड मशीन है। की पेयर यूज करेंगे, की पेयर हम यहाँ पर बनाना चाहिए हमारे को, क्योंकि हम जब लॉग इन करेंगे ना मुंबई मशीन में, भाई मशीन बन जाएगी मुंबई में तो मैं कैसे भाई एक्सेस करूंगा, ये देखो यहाँ है मुंबई का डेटा सेंटर और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मशीन मेरी बन रही है, अब मैं यहाँ बैठा हुआ बीकानेर में, ये इतनी दूर बैठा हुआ, ठीक है, मैं बीकानेर बैठा हुआ BKN, अब मैं क्या करूं, या तो फ्लाइट लेके जाऊं या रेलगाड़ी से जाऊं यहाँ पर मुंबई में और यहाँ जाकर खड़ा हो जाऊं कि सर मैं आ गया हूँ मेरे को लॉग इन करने दो, ये बड़ा वियर्ड सा पोजीशन हो जाएगी, गलत है। क्या किया अपन ने, किसी SSH सॉफ्टवेयर का यूज किया, SSH सिक्योर शेल का यूज किया कमांड लाइन से और कमांड लाइन से लॉगिन कर लिया। अभी लॉगिन करने के लिए यूजर ने पासवर्ड चाहिए दोस्तों, तो नो पासवर्ड, हम कोई पासवर्ड यूज नहीं करेंगे आज। अब आपको कमाल है सर बिना पासवर्ड के, तो मैं कहूंगा हाँ बिना पासवर्ड, तो मैं क्या यूज करूंगा दोस्तों,
मैं यूज करूंगा पब्लिक की, क्या यूज करूंगा पब्लिक की। अभी क्या होती है की मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। तो पब्लिक की जो होती है वो बेसिकली आपका ऑथेंटिकेशन का काम कर रही है यहाँ पर, याद रखिएगा ठीक है। जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस पब्लिक की है ठीक है, एटीएम के ऊपर 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होता है वो पब्लिक की है, एटीएम का पिन आप लोगों को बताते हो क्या, वो आपका पासवर्ड है ठीक है। क्या आप ईमेल का पासवर्ड किसी को बताते हो, नहीं बताते, वो आपका क्या है प्राइवेट की है। तो दो प्रकार की होती है पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की वो होती है जो लोगों को दिखाई देती है, प्राइवेट की कहाँ होती है आपके मन में होती है, आपके सिस्टम पर होती है ठीक है, यूं कह सकते हैं। तो पब्लिक की के द्वारा हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉगिन करेंगे मुंबई या यूएस की मशीन्स के अंदर ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर की पेयर पर, ये वाला जो ऑप्शन था हमने देखा, वापिस देख लीजिए, नेम आ गया, हमने यूबंटू सेलेक्ट कर लिया ठीक है, 64 बिट आर्किटेक्चर है ठीक है भाई, फ्री में मशीन बन रही है, फ्री टायर में राइट। की पेयर, अब हमारे को की बनानी पड़ेगी, तो मैंने ऐसे क्रिएट की पेयर किया। अब ये की दो प्रकार की बन रही है, ईडी और आरएस। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहा, आज आरएस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और की का नाम रख रहा हूँ ईसीबी एसटीडी है ना, बस ईसीबी एसटीडी यानी ईसीबी स्टूडेंट .pam ठीक है भाई। क्रिएट करो, कहाँ सेव करूंगा भाई, मैं सेव करूंगा 22/6/23 के अंदर ठीक है। ये अभी हमारा नया फोल्डर है जब से हमारी ट्रेनिंग लॉन्च हुई है, तो मैंने उसको सेव कर दिया, सेव कर दिया तो मेरा की का नाम आ गया। अब मैं इस की की मदद से लॉगिन करूंगा दोस्तों कहां पर, मुंबई डेटा सेंटर की उस मशीन पर। एक की से आप मल्टीपल मशीन्स में लॉगिन कर सकते हैं सेम रीजन में। फिर से सुन लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, अ सिंगल की ठीक है कैन बी यूज फॉर लॉगिन इन सेम रीजन। एक रीजन में मल्टीपल मशीन्स में लॉगिन करने के लिए सिंगल की का उपयोग हम कर सकते हैं ठीक है। ये की पेयर के द्वारा होता है, और ये की कैसी होती है, सिंगल पब्लिक की होती है ठीक है। और प्राइवेट की कहाँ होगी भैया, इस मशीन पर जाएगी, यानी मेरे पास प्राइवेट की आ चुकी है, पब्लिक की वहां है, तो उस पब्लिक की मदद से हम लॉगिन करेंगे ठीक है। नेटवर्क सेटिंग अभी छोड़ दो, पढ़ाया नहीं नेटवर्किंग सर ने कुछ पढ़ाया है नेटवर्किंग के बारे में, हालांकि हम लास्ट सेमेस्टर पढ़ के आए हैं, तो नेटवर्किंग को हम छोड़ रहे हैं अभी ठीक है, छोड़ दिया अपन ने ठीक है। यार क्या हो रहा है ऐसे पता नहीं है, एक बार के लिए इसको स्किप कर दिया सर ने, कहा छोड़ देना। नीचे आता स्टोरेज, कहता फ्री टायर में 30 GB का स्टोरेज फ्री है, तो अपन क्या है मिनिमम इसने अपने आप ले लिया 8, मैंने नहीं किया ये अपने आप किया 8 GB, तो कहता 8 GB में सेटअप कर दो, मैंने कहा नहीं 8 में नहीं, आप इसको कर दो 12 GB ठीक है, 12 GB कर दो ठीक है, बहुत है सफिशियंट है एक बार ठीक है ना। तो 12 GB ले लिया, और फिर अपन ने ऐसे क्या किया, एडवांस में कुछ नहीं देखा, और यहाँ नंबर ऑफ इंस्टेंस कितनी, 1। कल याद करो मैंने आपको बताया था कि एक रीजन में 20 मशीन्स आप कर सकते हो, इन अ सिंगल रीजन यू कैन बूट 20 मशीन्स का मतलब इंस्टेंस ठीक है, इंस्टेंसेस एट अ टाइम ठीक है ना, एक बार में 20 मशीन। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन ऑन करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको सर ने कहा था 20 मशीन लिख दो, ये लो गलत, यहाँ पर 1 लिखना है ठीक है, 1 मशीन। तो एक यूबंटू का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, आपने यूबंटू को सेलेक्ट कर रखा है, सब देख लो यूबंटू का सर्वर है। आपको कोई पुराना वर्जन चाहिए यूबंटू का 20 वर्जन चाहिए तो आप वो ले सकते हैं ठीक है, हम तो लेटेस्ट ले रहे हैं जो भी लेटेस्ट है ठीक है। LTS का मतलब लेटेस्ट नहीं होता, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। और T2 माइक्रो यहाँ एक फ्री टायर मशीन है, की पेयर हमने ले लिया, नेटवर्क सेटिंग में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, इनको हम फायरवॉल के रूल बोलते हैं, ये अपने आप फायरवॉल के रूल बनाएगा। फायरवॉल के रूल के अंदर देखो दोस्तों यहाँ पर क्या नाम नजर आ रहा है, फायरवॉल का नाम होगा लॉन्च विजार्ड 1 ठीक है, ये नाम से एक फायरवॉल बन जाएगी। उसके अंदर क्या होगा, मशीन में लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा कैसे करना है। फिर मैंने हार्ड डिस्क चूज की थी दोस्तों 12 GB की, और यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, समरी में आने दो। लॉन्च इंस्टेंस में जैसे क्लिक करते हो दोस्तों, ये लीजिए आपकी मशीन अप होने जा रही है। अब आप कहेंगे सर तो बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत फास्ट है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सक्सेस आ गया यहाँ पर, ऐसा ग्रीन चेक आना चाहिए, अगर रेड कलर से क्रॉस आ गया तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है। नीचे आके देखो, व्यू ऑल इंस्टेंस देखोगे तो आपको दिखाई देगा ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों आपका जो सर्वर था उसका नाम आपने क्या रखा था, माई सर्वर 1। अभी ये रनिंग आ रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे इस बात को, ये सर्वर का नाम है, ये उसकी आईडी है, ये इंस्टेंस की स्टेट है, ये उसका टाइप है, यार है मशीन का टाइप T2 माइक्रो। अभी कौन कौन सी मशीन है ये भी देखेंगे, कितनी मशीन आती है T2 माइक्रो, यहाँ पर आ रहा है, स्टेटस चेक आ रहा है ठीक है।
और फिर देखा स्टेटस चेक इनिशियलाइज हो रहा है, अलार्म स्टेट नो अलार्म, कोई अलार्म नहीं लगा रखा, अलार्म क्या होते हैं ये भी देखेंगे, अलार्म लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, एपी साउथ 1A, फिर उसका एक कहने का मतलब डीएनएस का नाम, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। कई बच्चों को अजीब सा लग रहा होगा यार ये क्या है यार, तो कुल मिला के पता है क्या बात क्या है दोस्तों, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, समझने की बात ये है कि हम एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, ये वर्चुअल मशीन हमने मुंबई के डेटा सेंटर में बनाई है। फिर क्वेश्चन उठता है क्यों बनाई है सर, क्या करना है सर इसका, इस पे सर्वर सेटअप करेंगे, इस पे कमांड चलाएंगे, ठीक है राइट, ठीक है ना। तो ये हमने हमारी मशीन अभी रनिंग है, इसको यहां से रिफ्रेश करेंगे, यहां से ऊपर से नहीं यहां से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों दो प्रकार के आईपी एड्रेस मिल रहे हैं आपको, बड़ी मजे की बात है। एक तो मिल रहा है आपको पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि काफी कॉस्टली होता है, और एक आपको मिल रहा है दोस्तों प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो दो आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, हम पब्लिक आईपी की मदद से लॉग इन करेंगे मशीन के अंदर, ठीक है। देखिए कैसे लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने का तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोग देख लो। आप लॉग इन किसी भी समय करते हैं, जब भी यहां पर लिखा हुआ जाए इंस्टेंस की स्टेट रनिंग है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। मशीन दो हिस्सों में अप होती है, यहाँ इनिशियलाइज लिखा हुआ आ रहा है, घबराना मत कि अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ, ये मशीन अप हो जाएगी दोस्तों। तो हम यहाँ लॉगिन कैसे करेंगे, पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिक आईपी को कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है राइट। चलो इसको मिनिमाइज कर दो, और एक सॉफ्टवेयर कल मैंने आपको बताया था कि आपको इंस्टॉल करना है मॉब एक्सट्रीम, आपने होपफुली शायद इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, सेशन पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है, सेशन पे क्लिक करना है, एसएसएच में जाना है दोस्तों, वो आईपी एड्रेस जो कॉपी किया था वो यहाँ डाल देना, डाल दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ देना है दोस्तों यूजर नेम, किस यूजर से लॉगिन करना है आपको पता ही नहीं है, तो बच्चों क्या करना है, वैसे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं एक डिफॉल्ट यूजर होता है AWS में, मैं आपको लिख के देता हूँ, डिफॉल्ट यूजर इन लिनक्स ऑफ किसकी AWS कौन सा होता है, क्या नाम होता है, नेम्ड एज उसका नाम होता है दोस्तों EC2-user, EC2-user इस नाम से वो यूजर होता है, ठीक है। तो यूजर कहां से, अब मुझे कैसे पता पड़ा कहां पर है यूजर, ये तो चलो ठीक है कहीं इंस्ट्रक्टर बताते ही नहीं है बच्चों को, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से देखो, किसी को चेक कर रहा हूँ ना इस मशीन में लॉगिन कैसे करना है, तो देखो बेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से क्लिक करोगे तो नीचे डिटेल आ रही है, इस मशीन की डिटेल नीचे दिख रही है, ठीक है, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, स्टक स्टेटस, मॉनिटरिंग, टैग, सब कुछ दिख रहा है। हमने क्या करना है, इस मशीन को सेलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, क्या करना है, यहां सेलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो यहां जाके यूजर का नाम देखना है क्या आ रहा है। कुल मिला के हमारा खेल ये कि हम ये क्रॉस चेक कर ले, सर ने जो बताया वही नाम है क्या, ये कोई और तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे क्लिक किया, तो हमें दिखा कि यार यहाँ पर यूजर का नाम क्या है भाई, ओ इट्स अमेजिंग, आज क्या नाम आ रहा है Ubuntu, ठीक है, आज क्या नाम आ रहा है Ubuntu, आप अपना नाम डिफाइन, अगर कोई नाम डिफाइन नहीं है तो आप अपना लिख सकते हो, तो बहुत अच्छा रहा दोस्तों कि हमने यहाँ देख लिया, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको नाम मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ Ubuntu इट वॉज वॉट ऐसे नाम से था, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ हमने देख लिया इसका नाम क्या निकला Ubuntu। चलिए दोस्तों हम वापस से पीछे आ रहे हैं, पीछे कैसे आएंगे, ये ब्रेड क्रम्स देख रहे हैं ऊपर जो चल रहे हैं ब्रेड क्रम्स, यहाँ से इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, देखिए वापस पीछे आ गए, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है बहुत बढ़िया, यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया हमने, स्पेसिफाई यूजर नेम Ubuntu, ठीक है, और एडवांस सेटिंग में गए, ठीक है, एडवांस सेटिंग में हमें जाना है, ठीक है, एडवांस सेटिंग में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में ठीक नीचे नीचे दिख रहा होगा आपको यूज प्राइवेट की दिख रहा है, क्योंकि मुझे लॉग इन करना है कहाँ, मुंबई की मशीन में, तो यूज प्राइवेट की पर क्लिक करेंगे, छोटा सा लेंस बना हुआ आ रहा है सामने, आ रहा है इस छोटे से लेंस पर क्लिक करना है, ठीक है, लेंस पर क्लिक करते ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। अब भी पॉपअप खुलेगा तो आपको ध्यान है आपका एक फोल्डर बनाया था मैंने जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 22/6/2023, ठीक, कल से स्टार्ट की, इसमें एक पैम फाइल रखी हुई है, रखी हुई, तो इस प्राइवेट की को उठाया है ना, पब्लिक की कहाँ है, मुंबई की मशीन पर है, ठीक है, पब्लिक की को प्राइवेट की से मैच करवाएंगे, ये लो ओके कर दिया, जैसे ओके किया ये मैं लॉग इन कर गया कहाँ, मुंबई के अंदर, ये देख रहे हो आप, ऐसा आने लग गया, UMI कमांड चला के देखते हैं Ubuntu, ठीक है, अब यहाँ पर लगते हैं क्या sudo -i, अरे sudo -i, अब ये sudo -i कमांड क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, सुपर यूजर, पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है सबको, डन है क्या, है समझ में आ रहा है क्या, मशीन बन गई, जो मशीन अपने को क्लासरूम में बनवाते थे सर या बनी हुई मिलती थी उससे तो बेहतर ये सर्वर है,
ये 2400 घंटे चलेगा दोस्तों, और फ्री में चल रहा है, ये मजे की बात है। कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, चेक करना हो, दिखाना हो, प्रोजेक्ट दिखाना हो, उसके लिए तो द बेस्ट है। ना इंटरनेट बंद होगा ना कोई बात, 2400 घंटे 365 डेज मशीन चलेगी, ठीक है, और फ्री मशीन है ये, ठीक है, राइट। ये मैंने मशीन रेडी कर ली, आपके सामने दिखा दी, ठीक है। अब मैं एक और मशीन बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना, और फिर आपको प्रैक्टिस और मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, मैं फटाफट कर रहा हूँ। EC2 डैशबोर्ड पे आएंगे, रनिंग में जाएंगे, एक मशीन चल रही है, एक और मशीन बनाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। न्यू मशीन मैंने बनाई, लॉन्च पे क्लिक किया, मैंने नाम दे दिया यार, इसका नाम रख देते हैं माई सर्वर 2, ठीक है, कुछ भी नाम दे दें आपको जो याद रखे। मैंने आज दोस्तों क्या कर लिया, लिनक्स, अमेजन लिनक्स लिया, जो मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा, ठीक है। ये बंदो टेस्टिंग के लिए किया था, अमेजन लिनक्स में कौन सा चूज करूंगा भाई, यहां से चूज करूंगा AMI। AMI का मतलब होता है अमेजन मशीन इमेज, ये DVD का डंप है, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो ये सेटअप करना सीखो, तो हम लेंगे AMI 2 AMI बस, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा नीचे चला, इंस्टेंस टाइप कैसी, फ्री टायर आना चाहिए यहाँ पर। अगर आपने कोई और ले लिया वर्जन, देखिए पेड होगा, फिर पैसे लगेंगे उसके फालतू में ना। जैसे सपोज करो अगर आपने T2 माइक्रो की जगह T2 मीडियम ले लिया, तो दोस्तों आपके पैसे कितने लगेंगे, 0.496 US डॉलर पर आवर लग जाएंगे, ठीक है। तो महंगी मशीन है, इसमें 2 CPU 4 GB की रैम है, तो हम यहाँ से ले रहे हैं, फ्री वाला ले लेते हैं, वही ठीक है यार, क्यों फालतू पैसे लगा रहे हो, ठीक है, राइट। यहाँ पर कैटेगरी जनरेशन भी दे रखी है, ठीक है, और हम टाइप्स भी देख सकते हैं। तो हम उससे पहले देखते हैं की पेयर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक की पेयर से, सिंगल की से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिंगल प्राइवेट की, पब्लिक की नहीं, प्राइवेट की, पब्लिक की तो मुंबई में मशीन के ऊपर है, तो सिंगल प्राइवेट की कैन बी यूज फॉर लॉगिन इन सेम रीजन, है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर, की पेयर के अंदर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, इसमें चेक करेंगे, यहाँ के देखा यार बहुत सारी की बनी हुई, कौन सी की है भाई अपने, ECB स्टूडेंट, ठीक है, आ गया। नेटवर्किंग सर ने कहा था कुछ नहीं करना, ठीक है, फायरवॉल का नाम आज बन रहा है लॉन्च विजार्ड 3, बनने दो, चलो 8 GB सर ने कहा था, 13, 12 जो भी लेना, 14 ले लिया, ठीक है, 14 GB की डिस्क ले ली, ठीक है, 14 GB की एक मशीन है, हाँ एक मशीन है, लॉन्च कर दो उसको सर, चलिए लॉन्च कर दिया, ठीक है। ये आज आपकी 2 मशीन क्रिएट हो गई 1 GB रैम की। अब आप कहेंगे सर क्या बेनिफिट है इसका, अभी देखते हैं क्या बेनिफिट है। जो प्रैक्टिस आप अपने कॉलेज में नहीं कर पाए, जो प्रैक्टिस आप कभी कर नहीं पाए, वहां देख नहीं पाए, वो सारी चीजें आप यहाँ कर पाएंगे, प्रोजेक्ट सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, पहली जो मशीन थी Ubuntu वो चल रही है, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ और नाम इसका देता हूँ आज यहाँ पर Ubuntu सर्वर, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी कर दो, माई प्रोजेक्ट, अवर प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट, जो भी है। ये हमारा हो गया क्या, मैंने कह दिया ये मेरा हो गया सपोज करो वेब सर्वर, चलो आज इसको वेब सर्वर के तौर पे काम में लेंगे, ठीक है, नाम दे दिया वेब सर्वर, ठीक है। रिफ्रेश किया, देखा तो यार यहाँ पर इसका पब्लिक IP भी आ रहा है और यहाँ इसका प्राइवेट IP भी आ रहा है, दोनों चीजें हो रही है ना, ठीक है, दोनों बातें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए लॉगिन करना कैसे, कौन से IP से करूंगा मैं, अब मैं जिस बच्चे से पूछूं वो मुझे बताएगा। दिनेश बताओ मेरे को, दिनेश कुमार बताओ मेरे को, लॉगिन करना है इस वेब सर्वर में तो कैसे करूंगा, बता सकते हो मेरे को बोलकर। यस सर, ये पब्लिक, दिनेश कुमार जी, यस सर, पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे और मोबाइल स्क्रीन में SSH में सेशन क्रिएट करेंगे, मैं SSH उसमें जाना है, टैलेंट में जाना है, SSH में वापस बैक आ गए वेब सर्वर पे, क्लिक किया, फिर से हम एक बार यहाँ आए, यहाँ आके यूजर का नाम दे दिया EC2 -user, क्या डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा दिनेश जी? यस सर, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, प्राइवेट की तो बताया नहीं, प्राइवेट की कहां डालेंगे, सॉरी सर, सॉरी, हां एडवांस सेटिंग में जाके उसकी पैम फाइल में जो प्राइवेट की है वो यूज प्राइवेट की, और उसके आगे छोटा सा लेंस नजर आ रहा होगा, यहां जाके क्या करेंगे जो भी की, तो इसका मतलब क्या होगा, एक सिंगल की मल्टीपल मशीन में लॉगिन कर सकती है, प्राइवेट की है ये देखो, और यूजर का नाम क्या है EC2 -user,
ये सर्वर चल रहा है, आप इस सर्वर पे यूबंटू वाले सर्वर पे कुछ सेटअप कर सकते थे, आप यहाँ पर भी सेटअप कर पाएंगे। ये देख लीजिए मैं लॉगिन कर गया, हाँ कर गया। तो पहली कमांड आती है दोस्तों, अब यहाँ से लिनक्स शुरू होता है, ठीक है। थैंक यू दिनेश। तो दोस्तों यहाँ से लिनक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिनक्स को। तो जब हम देखते हैं ऐसा कंसोल, अभी हमने लॉगिन किया और आपको कहीं इस प्रकार की शेल दिखाई दे दोस्तों, तो ये है लेस प्रिविलेज मोड, अब शुरू हो रहा है लिनक्स, ठीक है। ये है लिनक्स का पहला स्टेप कि अगर आपको किसी यूजर के नाम पर, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ये पूरा तो है क्या, मैं लिख देता हूं, ये है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको यूजर का नाम आ रहा है, @IP address का जिक्र हो रहा है, ठीक है। आगे जो टिल्डा ऑपरेटर दिखा रहा है, ये यूजर की होम डायरेक्टरी है, क्या है यूजर की होम डायरेक्टरी, ठीक है। और ये जो डॉलर सिंबल है ना, जो आप देख रहे हो ना, ये डॉलर पता है क्या है, ये डॉलर बता रहा है भाई ये, चलो मैं इनको ना सबको अलग अलग लिखता हूं, ठीक है। और होम डायरेक्टरी और डॉलर सिंबल क्या बता रहा है, डॉलर सिंबल बता रहा है हमारे को लेस प्रिविलेज मोड, कि भाई जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको कोई है प्रिविलेज कि अपने डायरेक्टर या प्रिंसिपल के रूम के अंदर जाके उनकी चेयर में बैठ सकते हो, आपको परमिशन नहीं है, प्रिंसिपल के रूम के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती आपको, वहां परमिशन लेके जाते हो। तो डॉलर जो बताता है वो हमारे लेस प्रिविलेज बताता है। होम डायरेक्टरी होती है दोस्तों, जब भी आप लिनक्स के प्रॉम्प्ट के अंदर ये वाला सिंबल कभी देखोगे ना, तो आप बोलोगे ये होम डायरेक्टरी है, और ये पूरा प्रॉम्प्ट है दोस्तों, ये पूरा प्रॉम्प्ट है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। किसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ये है प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इसमें है क्या, जब आपने कमांड चलाई आज पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसे बताया कि आप यहां काम कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपकी ये लोकेशन है, ठीक है। अब मैंने यहां पर कमांड चलाई है sudo माइनस आई, तो sudo माइनस का मतलब होता है सुपर यूजर डू, माइनस आई का मतलब इंटरेक्टिव मोड में, ताकि हम सारा काम जितना भी करेंगे दोस्तों, वो सारा काम करेंगे रूट यूजर से करेंगे। मैं लिख देता हूं, वी विल वर्क एज रूट यूजर थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग सेशन, पूरे ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों हम रूट से काम करेंगे, ना कि लोकल यूजर से। आप कॉलेज में काम करते हो ना, U12 से, Lab 1, Lab 2, Lab 3, ऐसे नहीं, अपन पूरी ट्रेनिंग में रूट से काम करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, रूट होता है सुपर यूजर, ठीक है। रूट कौन होता है आपका, सुपर यूजर होता है, ठीक है। और जो यूजर सुपर यूजर की तरह काम करता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, sudo यूजर, क्या बोलते हैं, sudo यूजर। सुपर यूजर डू इसका फुल फॉर्म होता है सुपर यूजर डू। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, प्रिंसिपल की एब्सेंस में कौन होता है कॉलेज में, वाइस प्रिंसिपल होता है। अच्छा, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों नहीं है तो कौन होगा, HOD संभालेगा इस कॉलेज को। तो किसी कॉलेज में, स्कूल में अगर हायर अथॉरिटी नहीं है, तो उसकी रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पर्सन होता है, वो होता है प्रकार का sudo यूजर। तो sudo का मतलब है सुपर यूजर डू, जो सबसे सुपर काम करता है पर्सन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, उसकी एब्सेंस में जो व्यक्ति काम करेगा उसको बोलते हैं sudo यूजर। अभी हम जब काम कर रहे थे, ये देखा आपने, whoami कमांड चलाएंगे तो आपको नाम आता है EC2-user। ये यूजर बिल्कुल रूट की तरह है, लेकिन ये रूट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके एक तो यहाँ पर डॉलर सिंबल आ रहा है, ठीक है। रूट की पहचान क्या होती है, यहाँ पर डॉलर की जगह आ जाएगा हैश, ठीक है, यहाँ नाम आ जाएगा रूट। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार रूट से लॉगिन करते हैं sudo माइनस आई। ये देखिए, पहली बात तो ये यहाँ पर हैश हो गया, हैश आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कैसा है, एक सुपर यूजर है। अगर डॉलर आ रहा है तो कह देना कि ये लोकल यूजर है, ठीक है। रूट का मतलब ये सुपर यूजर हो गया, ठीक है, whoami कमांड से पता पड़ गया। PWD कमांड देखेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये काम कहाँ कर रहा है, ये अपने होम में काम कर रहा है। तो आज हमने कमांड देखी दोस्तों, कौन कौन सी कमांड देखी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली नंबर कमांड हमने देखी दोस्तों कौन सी, PWD, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरी कमांड हमने देखी whoami, तीसरी कमांड हमने देखी है क्या, sudo माइनस आई। अब माइनस आई का मतलब यहाँ पर क्या दोस्तों, इंटरेक्टिव मोड है। माइनस आई का मतलब क्या दोस्तों, इंटरेक्टिव। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये ना ग्राफिकल में आया, तो मेरा आंसर पता है क्या है, नो, ठीक है, अजीब सा लगेगा, ठीक है। और क्लियर के लिए कमांड है क्लियर, या फिर इसका शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, मैं और बता देता हूँ, और शॉर्टकट पता है क्या इसका, कंट्रोल के साथ में L दबा देना, कंट्रोल के साथ में L प्रेस किया, ये लो, हो गया, ठीक है, राइट। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक कमांड्स। अब और कुछ कमांड देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया डेट कमांड, देखा तो ये तो भारत का टाइम ही नहीं है यार, ये तो टाइम कहाँ का है, ये टाइम तो यार UTC है, यूनिवर्सल टाइम क्लॉक है, ठीक है। होस्ट नेम देखा, कंप्यूटर का नाम क्या है, ये तो यार मजा नहीं आया यार, ये तो गड़बड़ है यार, ठीक है।
इसके अलावा भी और सारी, कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें, देखते हैं। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर एक कमांड और बताई, कौन सी, date डेट कमांड बताई, फिर मैंने आपको बताई कौन सी, होस्ट नेम कमांड बताई, कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। एक कमांड और देख लेते हैं, कैल, सबको बताया है, ज्यादा कोई इसमें हाईफाई चीज नहीं, कंट्रोल एल कर, कैल का मतलब कैलेंडर, ठीक है। कैल मैंने कह दिया यार कि ना, सपोज करो मैंने कहा था कि 2023 का कैलेंडर दिखा दो, पूरा दिखा दिया। इवन हम ये तो कर सकते हैं 2023 के अंदर सिक्स नंबर, ओ मैंने कह दिया सपोज करो 12/2023 दिसंबर का आ गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार मेरे को तो ना जुलाई का दिखाओ यार कैलेंडर, वैसा आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ऐसी कमांड चलानी है, आप कहां से सीख रहे हो सर, कहां से पढ़ रहे हो सर, आप हमें बताओ ना। तो सर ने बताया कि यार मैं पढ़ता हूँ कहां से, MAN से, मैन से, मैन का मतलब मैनुअल। जब भी कोई आप घर में कोई इक्विपमेंट लाते हो, टीवी लाते हो, कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हो, तो साथ में एक बुकलेट से निकलती है, आपने देखा होगा छोटी सी बुकलेट, छोटा सा कागज होता है ना, उस कागज में लिखा होता है कि मार्गदर्शिका, लिखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा होता है मैनुअल, है ना। तो वो वहां पर सब चीजें होती है कि ना इसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, सब चीजें लिखी होती है। तो ये वही चीज है दोस्तों, मैन है, लिनक्स में भी क्या होता है, मैन होता है। यहीं से आपको हेल्प लेना जरूरी होता है, आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कि सर एक बार बताओ ये सूडो का मतलब क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया, बैठे बैठे नोट्स पढ़ना चाहता है, बनाना चाहता है, एंटरप्राइज किया। सूडो का मतलब होता है, बताएगा सूडो का मतलब होता है एग्जीक्यूट अ कमांड एज अनदर यूजर, ठीक है। सूडो डिस्क्रिप्शन दे रखा है नीचे, जो मैंने पूरा इंग्लिश में बोला है कि सूडो अलाउ अ परमिटेड यूजर टू एग्जीक्यूट अ कमांड एज, कहने का मतलब मैं सारा यहां से पढ़ता हूं, क्लियर कट बात है, मैं तो यहीं से पढ़ता हूं, और मैं कहां से, कौन सी बुक लेके आऊंगा बताऊं मैं, और शिफ्ट जी प्रेस करता हूं, ये बताएगा कि कमांड किसने बनाई। अगर आपको इस कमांड में कोई बग नजर आ रहा है तो हमारी रिपोर्ट करो, वेबसाइट का नाम है bugzilla.sudo.ws, ठीक है। कहता है कि सपोर्ट करिए, ये एक फ्री ओपन सोर्स कमांड है और आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे साथ में कोड शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई डिस्क्लेमर है, कोई आपको हमारे से डाउट है, तो हमारे लाइसेंस के ऊपर आके यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। March 21, 2018 में इसको सेटअप करके लॉन्च किया गया था, सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको बनाया किसने, इसको बनाया टॉड सी मिलर ने बनाया। अब ये व्यक्ति कौन है भाई, देखें यार है ये काय का कॉन्ट्रीब्यूटर है, ये कॉन्ट्रीब्यूटर है क्या, देखें यार ये कौन है भाई, चलो अभी पता पड़ जाएगा। टॉड सी मिलर लिंक्डइन पे, देखा मैंने कल क्या कहा था, लिंक्डइन पे जाना, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना। तो ये है भाई वो सीनियर इंजीनियर एट क्वेस्ट सॉफ्टवेयर, जिसने सूडो कमांड बनाई है, देख रहे हैं आप लोग, है ना, ये सूडो कमांड बनाने वाले यूजर हैं, ठीक है, राइट, और आपके सामने हैं, है ना। तो आप कहने का मतलब इनसे संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप चाहें जिससे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये मैंने आपको दिखाया, क्यू प्रेस करके आप बाहर आ जाएंगे। तो मैन से बाहर आने का तरीका क्या बताया सर ने, क्यू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू, ठीक है, क्यू प्रेस करके बाहर आ सकते हैं। अच्छा, हेल्प लेते कैसे हैं, हेल्प लेते हैं ऐसे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा, मैंने कहा यार मुझे पढ़ना है मैन, हु एम आई कमांड है, ठीक है, मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में टू क्विट सेशन क्या दबाते हैं, क्या प्रेस करते हैं, क्यू, सिर्फ क्यू प्रेस करते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है, राइट। अब ये तो थी सारी बातें, अब जैसे मैन से और पढ़ना है कि सर एक बार बताओ कि ना पीडब्ल्यूडी कमांड क्या है, तो पीडब्ल्यू क्या होती है, प्रिंट द नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, कैसे लिखते हैं, सिनॉप्सिस का मतलब कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, सारी बातें, और उसके क्या मैं डाउन एरो की दबाई और देखा किसने बनाया इसको, जिम मैरिंग ने बनाया है, ठीक है, कब बनाया, 2013 में बनाया है, लाइसेंस GPL का है, सब फ्री में बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेरी नाइस। क्यू प्रेस किया, बाहर आ गए, आगे यानी यहां से मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही मैंने डेट कमांड को पढ़ा, ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे, राइट। फिर आपको नजर आता है कि यार सर ये डेट जो कमांड आपने लिखी है थोड़ा डाउट लग रहा है, एक तो ये, और एक सर ये होस्ट नेम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा सर, इतना बड़ा होस्ट नेम, और ये सर आईपी एड्रेस कहाँ से आ रहा है सर, हमें तो पता ही नहीं पड़ रहा, हमें तो मालूम ही नहीं आता है बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या करेंगे आज, सबसे पहले तो अपने देश के अंदर हमने बनाया है डेटा, हमारे डेटा सेंटर में है, तो हमारे टाइम के अनुसार चलना चाहिए इसको। अब जबकि इसके अंदर समय क्या आ रहा है दोस्तों, सुबह के 6:09, अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:09, आप इस 6:09 में आप 5:30 जोड़ दो बच्चों, कितना,
इस 6 बजे में 5.5 घंटे 5:30 आवर्स ऐड कर दीजिए, आपको भारत का टाइम मिल जाएगा। तो जो यूटीसी टाइम होता है ना, वो भारत के समय में से -5.5 पीछे चलता है। अगर इसमें 5.5 जोड़ देंगे तो भारत का टाइम। लेकिन ये हर एक आदमी के बस का बात नहीं है, कब तक करते रहोगे ऐसे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं हम, क्या टाइम डेट CTL कमांड होती है। सेट कर देंगे क्या टाइम जोन, क्या टाइम जोन सेट कर देंगे भाई, यहाँ हम करेंगे क्या एशिया कोलकाता, ये आपको लिखना है, ये मैं कमांड दे दूंगा आपको कोलकाता। अब आप कहेंगे सर ये लिस्ट कहाँ से लाए, तो मैं वो लिस्ट दिखाता हूँ नेट से आपको पूरी पूरी, ठीक है। जिस देश का समय आप चाहते हैं उस देश का आपको एब्रिवेटिव नेम देना पड़ेगा और देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट को सेट करने का तरीका, टाइम जोन को सेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो टाइम जोन लिस्ट फॉर लिनक्स, ठीक है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरी दुनिया का टाइम जोन दिखा देता है आपको। देखो अफ्रीका का सर्वर सेट करना है, अफ्रीका, अफ्रीका के लिए एशिया, अमेरिका, अमेरिका, भारत का कहाँ है भैया, एशिया में, देखो एशिया में कौन कौन से है भाई, बैंकॉक, कोलंबो, केप और कराची, काबुल, कोलकाता, आ गया कलकत्ता को कोलकाता। तो ये डेट टाइम का एक स्टैंप है जो भारत के लिए काम में आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप अपनी नजर में ले आए, समझने की कोशिश करें। अब आप डेट को चला के देखें कमांड को, तो क्या समय आ रहा है दोस्तों, 11:41:32 ये देखो आप, है ना, एग्जैक्टली वही है। IST का मतलब हो गया क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सबके सामने होगा। अब दोस्तों बात आती है, एक तो ये सर्वर बन गया भारत का, अब भारत के टाइम के अनुसार चलेगा, ठीक है, राइट। दूसरी बात ये कि इसका होस्ट नेम चेंज करो यार, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लग रहा है ना, क्या यार ये क्या है नाम, ऐसे इतना बड़े बड़े नाम पढ़ने में नहीं आते हमारे को। तो एक काम करते हैं, होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम, ये लो बेटा यहाँ पर कर देते हैं www.ecv.com, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये लो ऐसे कर लेंगे, चलेगा नहीं ये ना भाई, मैं तो इसलिए टेस्टिंग के लिए किया है, engineeringcollegebikaner.com ऐसे कर दिया, या मैंने कुछ भी कह दिया, सपोज करो mail.something.com, ecv.com ऐसे कर दिया, राइट राइट। तो मैं आज वेब सर्वर के लिए टेस्टिंग करता हूँ, मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, example.com, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कर दिया। अब उसके बाद में ये कंपाइल करने के लिए क्या कमांड चलाएंगे, बैश कमांड चलाएंगे, ठीक है, इफेक्टिव हो गया। अगर कोई बच्चा बैश कमांड नहीं चलाएगा तो वो यहाँ से पहले लॉग आउट करेगा, फिर वापिस आएगा, फिर काम होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको नोट्स दे दिए किसके, टाइम डेट सेट करने की। अब मैं आपको होस्ट नेम को सेट करने की कमांड दे रहा हूँ। होस्ट नेम मैंने क्या सेट किया बेटा, बड़ा सिंपल तरीका, जो आप देना चाहेंगे वो दे देंगे आप, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, आप एक कमांड चलाएंगे बैश। यदि आप बैश नहीं चलाते तो मैंने क्या कहा, आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे तब दिखाई देगा, लेकिन मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैंने फटाफट क्या किया, बैश कमांड चला दी। अब यहाँ पर होस्ट नेम चेक करो बेटा, आप क्या नजर आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है। होस्ट नेम क्या होता है दोस्तों, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है ऑफ मशीन, ठीक है, ठीक है, किसी मशीन, अच्छा मशीन का मतलब है, वो मशीन नहीं है कोई खराद की मशीन नहीं है, मशीन का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, फुली क्वालिफाइड मशीन का मतलब है यहाँ क्या, आपकी जो इंस्टेंस है वर्चुअल मशीन है ना, तो ऑफ वर्चुअल मशीन ये लोग, और मशीन कहते हैं हम तो मशीन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आप भी मशीन बोले, इंस्टेंस बोल दें, ठीक है, वर्चुअल मशीन बोल दें। तो बैश से क्या हो गया दोस्तों, उसी समय इफेक्टिव हो गया वो नाम, हो गया नाम, ठीक है। अब आपके होस्ट नेम आ रहा है, टिल्डा ऑपरेटर आपको बता रहा है, ध्यान से देखिए, ये टिल्डा बोलते हैं, ये टिल्डा ऑपरेटर आपको मिलेगा कीबोर्ड में एस्केप बटन के ठीक नीचे, देखो बेटा सब लोग, एस्केप बटन के नीचे और टैब बटन के ऊपर कीबोर्ड में, अपने अपने लैपटॉप में देखो, तो आपको टिल्डा ऑपरेटर दिखाई देगा। ये ऑपरेटर कैसे आता है दोस्तों, शिफ्ट के साथ में जब दबाते हो है ना, एस्केप के ठीक नीचे वाला बटन, तो ये आता है। ये जो टिल्डा है ये दिखा रहा है कि जो करंट यूजर है ना, जिसका नाम क्या है दोस्तों, रूट है, वो कहाँ काम कर रहा है दोस्तों, वो अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर रहा है, वो अपने होम डायरेक्टरी यानी अपने घर में काम कर रहा है, ये उसका होम है। तो किसी भी यूजर का जो होम होता है, किसी भी यूजर का, चाहे वो मनिंदर है चाहे कोई भी यूजर है, वो होम डायरेक्टरी टिल्डा ऑपरेटर से दिखाई पड़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो थी कुछ कमांड्स जो कि हमने देखी, बहुत बेसिक कमांड्स हैं लिनक्स की, ये आप लोग कॉलेज में भी देख कर आते हैं, ठीक है, बैश के ऊपर यानी शेल के ऊपर आप काम करते हैं। अब एक कमांड चल रही है, एक हमारा सर्वर और चल रहा है यूबंटू का, मुझे यूबंटू में काम भी नहीं करना, मुझे तो आपको रेड हैट और सेंटोस की तरफ लेके जाना है, मुझे आपको यूबंटू में थोड़ा रेडी करना है, कुछ करना होगा यूबंटू में तो कर लेंगे, जैसे कि apt-get कुछ इंस्टॉलेशन हुआ, तो यहाँ पर कुछ जैसे सपोज करो मैंने कहा यार PHP सेटअप कर दो, मैंने कहा यार GCC इंस्टॉल कर दो,
ठीक है, मैंने कहा यार MySQL कर दो, वॉट एवर जो भी है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं यहाँ पर कमांड चाहता हूँ init space zero, ये लो, init zero का मतलब क्या हो गया दोस्तों, init zero का मतलब हो गया shut down, ठीक है, तो मैंने आपको ये कमांड बताई है init zero, ठीक है, एक और कमांड होती है क्या init six, ठीक है, तो दो कमांड बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, ये init क्या होती है डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जीरो का मतलब होता है दोस्तों शट डाउन करना, ठीक है, सिग्नल जाता है कर्नल को कि भैया शट डाउन कर दो, सिक्स का मतलब होता है रिबूट करना, तो ये नंबर्स होते हैं जीरो से लेके छह तक के, वेरी करते हैं, अब अगर आप जाके देखेंगे AWS कंसोल पे वेब कंसोल पे रिफ्रेश करेंगे तो मशीन बंद हो गई, शट डाउन हुई है, किल नहीं हुई, तो यहां से कैंसिल करा देखा तो यहां पर क्या नजर आ रहा है भाई, Ubuntu का सर्वर, जो कि कैसा नजर आ रहा है हमें, स्टॉप, ऊपर दो सर्वर और भी है, मैंने पढ़ाया हुआ किसी को, वो भी स्टॉप नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये सर्वर बंद कैसे हुआ, क्योंकि सर ने कमांड चला दी थी, कौन सी, इनिट स्पेस जीरो, ठीक है, राइट, ये कमांड हमने चलाई थी। चलिए अब बहुत सिंपल कमांड, शायद आप लोगों ने 12th में 10th में पढ़ी होगी, mkdir कमांड सब जानते हैं, बताऊंगा उसके बारे में, एक बताऊंगा दोस्तों मैं क्या, टच कमांड, ठीक है, एक कमांड आज बताऊंगा दोस्तों ls कमांड, ठीक है, इतनी कमांड आज हमें करनी ही करनी है, ls minus l कमांड, यानी ls के साथ बताऊंगा आप लोगों को, ls minus l कमांड, ls minus ltr कमांड, ठीक है, ls minus la कमांड, ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे, और एक कमांड हम देखेंगे ls minus ld कमांड, ठीक है, इतनी कमांड्स करने के बाद में ही हम चीजों को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे cat कमांड, ठीक है, तो अब एक समय आ गया दोस्तों ब्रेक लेने का, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे दोस्तों डायरेक्टरी और फाइल्स कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से इनको यूज होता है, ठीक है ना, लास्ट में आज देखेंगे हम कौन सी कमांड, कमांड का नाम होगा हिस्ट्री कमांड, ये सारी लिनक्स है, तो मैं क्या पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आपको, लिनक्स बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, राइट, तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में आज ये कमांड्स पढ़ेंगे हम कौन कौन सी, 10 नंबर से लेके 14 नंबर तक की कमांड पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आज की सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों से, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो अभी एक बार, चलिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब प्राइवेट की थी वो कहाँ गई, वैसे हम देख लेंगे दोबारा से रिकॉर्डिंग में, तो मैं आंसर दे रहा हूँ बच्चे का, तो देखिए दोस्तों हम अभी रूट के अंदर थे, आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए हम रूट में थे, हम रूट सर्विस बाहर आते हैं, बाहर निकलने के लिए कंट्रोल डी कमांड है, या आप लॉग आउट कमांड लिख सकते हैं, कंट्रोल डी एक बार प्रेस करना है तो आपका लॉग आउट कमांड चल गया, चल गया, तो दोस्तों जो EC2 यूजर से आपने पहली बार लॉग इन किया था ना, उसकी होम डायरेक्टरी में अगर आप देखोगे ls minus la कमांड, ये मैं आपको पढ़ाता अभी ब्रेक के बाद में, एक कमांड होती है ls minus la, ls का मतलब होता है लिस्टिंग, l का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग, जब ls के साथ में l मिलता है तो ये बन जाता है लॉन्ग लिस्टिंग, a का मतलब होता है ऑल फाइल्स, a का मतलब हिडन फाइल्स, तो जहां पर भी आपको ऐसा दिखाई देना दोस्तों हिडन, जहां पर भी आपको डॉट से शुरू होने वाली डायरेक्टरी का नाम या फाइल का नाम, जो भी नाम आपके जो डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब क्या होते हैं लिनक्स में हिडन होते हैं, विंडोज में भी हिडन करना जानते हैं आप, सब एक्सपर्ट हैं मेरे को मालूम है, लिनक्स में हिडन करने का जो तरीका होता है, फाइल हिडन होती है, वो फाइल और डायरेक्टरी हिडन होती है जिनके नाम के स्टार्टिंग में क्या आता है डॉट, तो यहां पर क्या है दोस्तों, जब आपने लॉग इन किया होगा EC2 से तो एक डायरेक्टरी है, ये कैसे पता पड़ा अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में ब्रेक के बाद में, तो इस डायरेक्टरी के अंदर SSH डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होगी .ssh के अंदर जिसका नाम होगा ऑथराइज्ड की, यहां पर वो की है, ये की है आपकी पब्लिक की, याद रखें ये वो पब्लिक की है, ये मैच करती है दोस्तों किससे, आपकी प्राइवेट की से, प्राइवेट की कहां है भैया आपकी, आपकी प्राइवेट की ये पड़ी हुई जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो ये खेल होता है दोस्तों पब्लिक की और प्राइवेट की का, ये देखिए ये है प्राइवेट की जो कि मेरे लैपटॉप पे मेरे पास में, इसको संभाल के रखना है, चाहो तो इसको ईमेल पे रख लेना, और डिलीट हो भी जाए तो कोई बात नहीं हो, मैं वो भी रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है चिंता मत करना, बता दूंगा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जो प्राइवेट की है ना, ये जो प्राइवेट की है इसको हमें क्या करना है, संभाल के रखना है, डिलीट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इस एक की से हम मल्टीपल मशीन में लॉगिन करते हैं, ये प्राइवेट की मैच होती है किससे, हमारा जो सर्वर है जिसमें हम लॉगिन करते हैं ना EC2 यूजर से, उस यूजर के अंदर एक डायरेक्टरी होती है उसका नाम होता है .ssh, वहां पर उसके अंदर एक फाइल होती है ऑथराइज की, उससे मैच करती है, ऑथराइज की के अंदर पब्लिक की लिखी हुई है, ये वो पूरी पूरी पब्लिक की है, ये पब्लिक की हमारे कंप्यूटर पे रखी गई प्राइवेट की से मैच करती है और तब लॉगिन करने का मौका देती है, अदरवाइज लॉगिन करने नहीं देगी, ठीक है, गॉट माय पॉइंट, तो मैंने क्या बताया था ls minus la कमांड्स क्या होती है, हिडन फाइल की लिस्टिंग होती है, यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी दिख रही है,
यहां पर कैट कमांड का यूज करेंगे। कैट कमांड से फाइल का आउटपुट आता है दोस्तों एसएसएच डायरेक्टरी के अंदर, ऑथराइज्ड की के नाम से एक फाइल है उसमें देखते हैं। तो जब पब्लिक की और प्राइवेट की मिलती है तभी तो एक्सेस होता है। अब कहने का मतलब आप एटीएम मशीन में एटीएम लगाते हो तो आपका एटीएम डिटेक्ट कैसे होता है, उसके अंदर चिप लगी हुई होती है, वो 16 डिजिट का नंबर पड़ती है, फिर आपसे पूछता है एंटर योर पिन नंबर, करता है ना। तो जब आप पिन नंबर गलत दोगे दोस्तों तो वो आपको एंटर करने देगा क्या एटीएम में, वो डिक्लाइन कर देगा, 3 बार में ब्लॉक कर देगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी वही हो रहा है, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों मिल रही है और मिलने के बाद में दोस्तों क्या होता है वो आपको लॉगिन की शेल दे रही है। ये इतना सा मेथड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है राइट, इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है और यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? यस, गेटिंग योर आंसर? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये लोकेशन मैंने दिखा दी है, रिकॉर्डिंग में आप फिर से देख लेना, सर्वर पे जाती है पब्लिक की और प्राइवेट की होती है हमारे लैपटॉप पे जो जनरेट होकर आती है, ठीक है। वो प्राइवेट की एक चाबी है और ताला कहाँ है, मुंबई में है। यहां से जब वो चाबी लगाते हैं, चाबी कौन है, प्राइवेट की जो हमारे लैपटॉप पे है, जैसी चाबी लगाएंगे उस ताले में वो लॉक खुल जाएगा, ठीक है। अब वो एक सिंगल की है जिससे मल्टीपल मशीन में लॉगिन सकते हैं, लेकिन सिंगल रीजन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि यूएस में मशीन बनाई और भारत में बनाई हुई की से लॉगिन गलत, फिर वो यूएस के अंदर बनाने, हाँ वो कर सकते हैं, तरीका है बताऊंगा आगे चल के, बट अभी के लिए इतना ही है कि हाँ एक मशीन बनाई, ये वर्चुअल मशीन वहां बन रही है, ठीक है। तो अभी अपन एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, आप लोग भी थोड़ा भाई 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, तो मुझे भी बोलते हुए काफी समय हो गया, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ये कमांड्स पढ़ेंगे सारी सारी, ठीक है ना, लगभग 5-6 कमांड्स हैं, बहुत बेसिक कमांड्स हैं, ये पढ़ लो, देन हम आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे, एक असाइनमेंट आपको दूंगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं। इफ वी वॉन्ट टू शट डाउन दैट मशीन वी कैन डू वन मोर थिंग, लाइक इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आइदर वी कैन डू वन मोर थिंग लाइक ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हैं एंड स्टॉप द इंस्टेंस, डू नॉट टर्मिनेट दिस इंस्टेंस, आप सिर्फ स्टॉप कर दें, मशीन को रनिंग मोड में ना छोड़ दें, मशीन को शट डाउन करके जाएं, जितनी बार आपको लॉगिन करना है उतनी बार हर बार आपको एक नया पब्लिक आईपी मिलेगा, ठीक है। ये पब्लिक आईपी काफी कॉस्टली होता है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिस दिन हम चाहें कि ये पब्लिक आईपी हमारा फिक्स हो जाए, दैट इज वॉट योर इलास्टिक आईपी, राइट, वो इलास्टिक आईपी होता है जो कि हाईली पेड होता है और वो फिक्स हो जाता है, फिर आप जितनी बार मशीन को रीस्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अभी ये पब्लिक आईपी जितनी बार अभी आप शट डाउन करेंगे अगली बार ये नया बनकर आएगा, जब भी आप मशीन को स्टार्ट करेंगे ना, सपोज करो मैंने इसको शट डाउन कर दिया, यहां से भी कर सकता हूँ स्टॉप इंस्टेंस, और दूसरा तरीका मैंने आपको एक कमांड बताई थी याद है ना, इनिट 0, याद है ना, तो आप ये कमांड चला सकते हैं। किसी को लगता है सर ये वैसे कमांड नहीं चलेगी, तो वो यूजर क्या करेगा, मशीन को यहाँ से सेलेक्ट करेगा, पहले इस प्रकार से इंस्टेंस सेटिंग में जाएगा और स्टॉप इंस्टेंस कर देगा, यानी प्रैक्टिस करने के बाद में प्लीज 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 आप मशीन को शट डाउन कर दे, ठीक है राइट, मशीन को शट डाउन कर दे आप, ऐसा करने से आपकी बिलिंग कम से कम जनरेट होगी, होगी ही नहीं, है ना, 2 घंटे 3 घंटे यूज करा, 4 घंटे प्रैक्टिस करी और शट डाउन कर दिया मशीन को, ठीक है, दैट्स इट, इतना से काम है। चलिए तो हम मिलते हैं अब मंडे को 10:30, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं।